नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से scorecrick.com में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL के टूर्नामेंट में अंडरडॉग्स माने जाने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की, और हम चुनेंगे क्या हो सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। शुरुआत करें दोस्तों ओपनिंग से, तो हमने लिया है कप्तान डेविड वॉर्नर को और उनके साथ हमने लिया है रिद्धिमान साह को, जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। एक तरफ विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और उनका साथ निभाने के लिए रिद्धिमान साह, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिलेगा एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। नंबर 3 पर दोस्तों हमने लिया है मनीष पांडे को, जो कि सिचुएशंस के हिसाब से मैच को खेलने का दम रखते हैं और साथ ही साथ नंबर 3 पर खेलने का इनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। वहीं बात करें नंबर 4 की दोस्तों, हमने लिया है केन विलियमसन को, जो एक पिलर है इस टीम का और मिडल ऑर्डर को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं अगर नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो हमने लिया है केदार जाधव को, जो कि बैटिंग के साथ साथ एक दो ओवर डालने की भी क्षमता रखते हैं। वहीं बात करें 6 और 7 की, तो हमने लिया है अब्दुल सामद और जेसन होल्डर को, जो कि इस टीम के लिए फिनिशर्स का रोल निभाएंगे और साथ ही साथ एक टीम को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 8 पर दोस्तों हमने लिया है राशिद खान को, जो कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट के एक दमदार प्लेयर हैं। वहीं बात करें नंबर 9 की, तो हमने जगह दी है भुवनेश्वर कुमार को, जिनकी प्रेजेंट फॉर्म अभी हमने देखी बहुत बेहतरीन चल रही है, इकोनॉमी रेट भी उनका बहुत बेहतरीन चल रहा है। वहीं बात करें नंबर 10 की, तो हमने जगह दी है टी नटराजन को, जिनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम इंडिया टीम सेलेक्शन के लिए भी गया था। और लास्ट में हमने जगह दिया दोस्तों संदीप शर्मा को, जो कि भुवनेश्वर कुमार के साथ ओपनिंग में बॉल को स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। वैसे तो इस टीम की प्लेइंग 11 बहुत सारी बन सकती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल बना सकें, और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जरूर बताएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।